हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल जंपसूट बनाएंगे। देखो, इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है। मेरे पास कपड़ा 1.5 मीटर जितना इसकी लेंथ है कपड़े की, पर चौड़ाई में उतना नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास बचा हुआ है कपड़ा, तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है। और ये मैं 3 से 4 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ। देखो, कपड़े को पहले हम ऐसे खोल देंगे पूरे के पूरे कपड़े को, फिर इसको ऐसे लेंथ के हिसाब से ऐसे 2 फोल्ड कर देंगे। फिर इसको देखो, मैं आपको नाप दिखा रही हूँ, 28 टू फोल्ड कपड़े का है। फिर इसकी चौड़ाई है 23 इंच। देखो, ये 23 इंच इसकी कपड़े की चौड़ाई है। फिर इसको अच्छे से बिछा के फिर 4 फोल्ड कर देंगे। देखो, ये 4 फोल्ड कपड़ा है। फिर हमें इसका नाप कैसे लेना है, देखो, ये आपकी बच्ची के कुछ भी पैंट कैपरी कुछ भी हो, उसको ऐसे रख के, देखो ये खुली साइड है आसन का नाप लेने के लिए, और वो वाली बंद की साइड है। देखो, इतना नीचे बॉटम इतनी लूज रखेंगे, क्योंकि हमें नीचे प्लेट डालना है, इसलिए फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। याद रहे, हमें ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो खुला भाग है। देखो, ऐसे कमर में भी हम इतना लूजिंग रखेंगे, जो हमारा नाप है इसमें इलास्टिक लगी हुई है, तो इतना लूज रखेंगे हम। देखो, पेंट का ड्रॉ कर दिया हमने, फिर बॉडी पार्ट हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। देखो, 10 इंच पे हम इसकी लेंथ रखेंगे, फिर 5 इंच पे हम शोल्डर और नेक का नाप 5 इंच है। फिर हम आर्म होल रखेंगे 4 इंच, तो ऐसे 4 इंच पे पहले हम एक पॉइंट लगा देंगे, फिर वहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करके चेस्ट का नाप लेंगे। मेरा आ रहा है 8 इंच। देखो, ऐसे मैं जो इसके लिए बना रही हूँ उसका चेस्ट का नाप है, उसमें हम 2.5 जितना सीम अलाउंस ऐड कर देंगे। जितना चेस्ट आ रहा है उसका 4 में डिवाइड करके नाप लेना है आपको, फिर उसमें 1.5 इंच जितना आपको सीम अलाउंस के लिए रखना है। देखो, ऐसे नीचे का कमर का तो हम पेंट के हिसाब से ही रखेंगे, क्योंकि हमको दोनों को जॉइंट करना है, इसलिए ऐसे। फिर लाइन ड्रॉ की है उसके हिसाब से हम काट के अलग कर देंगे। फिर बॉडी को और पेंट को भी ऐसे लाइन ड्रॉ की है उस हिसाब से काट के अलग कर देंगे। देखो, दोनों के दोनों काट के तैयार हो गए, हमारे कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको इसे सिल के दिखाऊंगी। देखो, ऐसे सीधे पे उल्टा रख के, ये पेंट का पार्ट है नीचे का, इसको ये आसन वाला भाग है जो, उसको हम पहले ऐसे सीधे पे उल्टा रख के ऐसे सिलाई लगा देंगे। देखो, यहाँ तक। फिर दूसरी साइड भी हम ठीक उसी तरह ऐसे ही सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे। देखो, ये नीचे का पार्ट बन गया है। अब इसको हम अलग कर देंगे। ऊपर के जो टॉप का पार्ट है उसमें, देखो ये 2 पार्ट है, उसमें से एक अलग करके हम ऐसे 2 फोल्ड करके एक बीचों बीच पॉइंट लगाएंगे। फिर ऐसे दोनों साइड एक प्लेट लगाएंगे। देखो, ये प्लेट इतनी इतनी रख के हम ऊपर नेक का पार्ट है वो दोनों साइड ऐसे 2.5 इंच 2.75 इंच जितना रहे वैसे एक बॉक्स बना देंगे।
देखो ये मैंने दूसरा भी बॉक्स पीछे की साइड में भी ऐसे बना दिया है। फिर ये पिंक कलर का कपड़ा है, उसको हम पैटर्न के लिए यूज़ करेंगे। देखो ये हमने ऊपर बॉक्स बनाया है, उसके ऊपर हमने पट्टी लगानी है। देखो इसके लिए मैंने पट्टी काट के रखी है। ये ऊपर का नाप है उस हिसाब से ही। देखो इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लेंथ हम इसके नाप की ही रखनी है, लेकिन मैंने थोड़ी बड़ी काटी है। देखो मैं आपको सिल के दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। ऊपर से इतनी आधा आधा इंच जितनी हल्की सी नीचे रख के ऐसे सीधे के ऊपर उल्टी पट्टी रख के ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। देखो सिलाई लगा दी है, फिर भी जितनी बचती है उतनी पट्टी ऐसे काट देंगे। अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, हम उसको भी ऐसे सिलाई लगाने के बाद देखो ये अंदर की ओर ऐसे कपड़ा मोड़ते हुए इतनी पट्टी ऊपर बचे, ऊपर की साइड ऐसे अंदर की साइड ऐसे पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। देखो ये सिलाई लग गई है, पट्टी हमारी जॉइंट हो चुकी है, बाकी की पट्टी हम ऐसे काट देंगे। देखो ये आगे का पार्ट तैयार हो गया है, ठीक उसी तरह मैंने पीछे भी तैयार कर दिया है। फिर ये दोनों पार्ट को हम सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। देखो दोनों साइड हम पहले सिलाई लगा देंगे। इसको हम एंड में ही सिलाई लगाएंगे। देखो ये लूजिंग ही रखना है हमें। देखो ऐसे दोनों साइड एक एक सिलाई लगा के दोनों पार्ट को अच्छे से अटैच कर देंगे। इसके ऊपर आप दो सिलाई लगा देंगे। ये मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन आप दो दो सिलाई लगा के ऐसे अच्छे से अटैच कर देंगे। फिर इसको ऐसे सीधा कर देंगे। फिर हम आर्म होल पे पाइपिंग बनाएंगे। देखो इसके लिए मैंने एवरेप में पट्टियाँ काट के अलग कर दी है। देखो ये दो पट्टी काटी है, इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकती है जितनी लंबी रखनी है, पर इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा दूँगी। देखो 1.5 इंच जितनी चौड़ी पट्टी है, इसकी लेंथ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये आप देखो 17 इंच जितनी है, लंबी रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। देखो ये दो पट्टी है, इसको पहले हम ऐसे देखो अच्छे से, ये 2 फोल्ड है, उसको बीच वाली सिलाई है उसके ऊपर रख के ऐसे लेते जाएंगे ऊपर तक, जहाँ तक आता है वहाँ तक। देखो ऐसे रख के एक पट्टी नीचे की ओर छोड़ के ऊपर इतनी पट्टी बचे उस हिसाब से सीधे के ऊपर उल्टी पट्टी रखते हुए ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। देखो ये उरेप में मैंने पट्टी काटी है ताकि हमारी पाइपिंग है वो अच्छे से बैठ जाए। ये राउंड वाला शेप होता है तो इसमें उरेप पट्टी काटनी पड़ती है। देखो ये मैंने सिलाई लगा दी है, फिर राउंड शेप है इसलिए हमें इस पर छोटे छोटे नॉट्स लगाने पड़ेंगे। देखो एक कट्स लगा दी है हमने। फिर पट्टी हमारी है उसको ऐसे अंदर हल्की सी पट्टी मोड़ते हुए ऐसे 2 फोल्ड करते हुए अंदर की साइड ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। देखो ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे, अंदर की ओर फोल्ड करते जाएंगे पट्टी। देखो ऐसे ही ऊपर से नीचे तक दूसरी साइड भी वैसे ही पूरा का पूरा हमारा आर्म होल है वो उसके ऊपर ऐसे अच्छे से पाइपिंग बैठ जाएंगी। देखो ऐसे अंदर की साइड ऐसे हल्के से पट्टी मोड़ते हुए
देखिए ऐसी पैटर्न मैंने आगे भी एक फ्रॉक में बनाई है, लेकिन इसमें ऐसी पैटर्न में जंप सूट में आसान रहती है, हमारी बेबी को पहनने में निकालने में आसानी रहती है, इसलिए जंप सूट में ऐसी पैटर्न जमती है। देखो ऐसे मैंने पट्टी फोल्ड कर दी है और एक साइड का हमारा आर्म होल तैयार हो गया पाइपिंग लगा के। देखो ठीक उसी तरह मैंने दूसरी साइड भी ऐसे ही बना दिए। देखो ये दूसरी साइड भी मैंने बना के तैयार कर दिया। ये टॉप पार्ट भी हमारा बनके तैयार हो गया। देखो देखो अब बारी है हमें पेंट के साथ टॉप पार्ट अटैच करने की। देखो इसके लिए हमने ये पेंट जो हमें बना के तैयार कर दिया है, मैंने उसको ऐसे रखेंगे। देखो ये दोनों ऐसे सीधा रखेंगे इसको और ये उल्टा रख के ऐसे अंदर डालेंगे। देखो फिर बीच वाली सिलाई है पेंट की, उसको टॉप के पार्ट पे ऐसे बीच में एक पॉइंट लगा देंगे। देखो ये वाली सिलाई इसके ऊपर ही आई, इसका ध्यान रखेंगे हमें। देखो ये सिलाई बीच में ही आनी चाहिए पेंट की, फिर ऐसे अच्छे से सिलाई वो हमने डॉट्स लगाए उसके साथ अच्छे से मिला के दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। देखो इतनी हमें नीचे सिलाई लगानी है। देखो ध्यान रहे आपको इसमें लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इतनी एक इंच जितनी लाइन ड्रॉ करनी है तो भी आप कर सकते हो। देखो ऐसे मैं अंदाजे से ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। देखो लगाते जाऊंगी, ये मैंने सिलाई लगा दी है ऊपर, हम इतना कपड़ा मैंने क्यों छोड़ा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो देखो ये हमारा ऊपर टॉप का और पैंट का पार्ट अटैच हो चुका है। देखो ये पट्टी है, हम इसको नीचे की साइड ऐसे मोड़ते हुए इसके ऊपर एक दूसरी सिलाई लगाएंगे। देखो ऐसे ये दोनों सिलाई के बीच का पार्ट है, उसमें हम बेल्ट अटैच वो पट्टी हमने फोटो में दिखाई है वैसे ये नेफा बन जाएगा हमारा। देखो ये दूसरी सिलाई लगेगी तो बीच में ये हमारा नेफा बन जाएगा। देखो ये हमारा नेफा बनके तैयार हो गया है, अब मैं आपको दिखाऊंगी। देखो ये सीधा जंप सूट है, उसमें ऊपर एक ऐसी पेंट की जो सिलाई है वो हल्की सी ऊपर सिलाई दिखेगी आपको, उसको उतनी सिलाई आधी जितनी उसको हम खोल देंगे ताकि उसमें हम पट्टी पसार कर सके। देखो ऐसे मैंने खोल दी है, फिर देखो ये मैंने डोरी बना दी है। देखो ये डोरी भी आप लेंथ इसकी जितनी चाहे रख सकते हैं, इसको भी हम एक देखो ऐसे सेफ्टी पिन की मदद से जो हमने अभी सिलाई खोली है उसमें ऐसे पसार करेंगे। देखो ऐसे अंदर की साइड ले जाते हुए पूरे के पूरे ऐसे राउंड में दूसरी साइड से हम ऐसे निकाल देंगे। देखो ये सेफ्टी पिन निकल गई है और डोरी हमारी बाहर आ गई है। देखो ये बीच में से डोरी बाहर आ गई है, सेफ्टी पिन निकाल गए और इलास्टिक ना हो आपके पास तो देखो ये बहुत ही आसानी से पहनने में भी आसानी रहेगी और आगे पैटर्न की पैटर्न तैयार हो जाएगी। देखो ऐसे फिर हम नीचे बॉटम का पार्ट है वो तैयार करेंगे। देखो इसके लिए मैंने पहले बड़ी सिलाई कर दी है, टांका बड़ा कर दिया है और नीचे से
इसे एक इंच जितनी ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम सिले लगा देंगे। देखो ये आपके पास नीचे ऐसे बॉर्डर वाला पार्ट नहीं हो तो आपको नीचे हल्की सी पट्टी मोड़ देनी है। मेरे पास ऐसे तड़ी वाला भाग है नीचे, तो मैंने अंदर नीचे पट्टी नहीं मोड़ी है। देखो ऐसे हल्के से, फिर एक धागा है वो इसको जो खुला हुआ है उसको ऐसे हल्के से खींचेंगे। देखो ऐसे अच्छे से चुनाटे बन जाए उस तरह से ऐसे हल्के हाथों से खींचते जाएंगे। और हमको ये बॉटम जितना रखना है उस हिसाब से ये धागा खींचेंगे। देखो ऐसे और चुनाटे डालेंगे। देखो ये एक साइड की प्लेटें डल चुकी है चुनाटे। देखो इसके लिए, इसके ऊपर जो हम पट्टी बनाएंगे, देखो इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, पट्टी काट दी है। ये भी हम एक बॉटम के हिसाब से उतनी लेंथ की रखेंगे। अब देखो जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर जो हमने पट्टी काटी है उसको उल्टी रख के उसके ऊपर ही हम ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। देखो मैंने सिलाई लगा दी है, ये पट्टी को सीधे के ऊपर उल्टी रखनी है। फिर हम अंदर की साइड ऐसे पट्टी मोड़ते हुए उसके ऊपर इस साइड दूसरी ऐसे अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। देखो ये पट्टी भी आप जितनी चौड़ी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। देखो ये पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है और हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बनके तैयार हो गई। देखो ये बॉटम वाला पार्ट बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, इसमें भी इलास्टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये बॉटम वाला पार्ट है उसका नाप भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो देखो मैंने 5.5 इंच जितना रखा है। देखो ये दोनों साइड, और आप जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फिर देखो मैंने जंपसूट हमारा है वो उल्टा कर दिया है। फिर हम ऐसे बॉटम से दूसरे बॉटम तक अच्छे से मिला के सिलाई लगाते जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे दोनों कपड़ों को ऐसे अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। देखो ये हमारी सिलाई लग चुकी है, और देखो ये जंपसूट हमारा बनके तैयार हो गया। देखो ये आपको सीधा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो देखो ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। और अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।